हेलो दोस्तों, मैं वापस आपको पीसी ज्वेलर्स पे ही अपने व्यू लेके आया हूँ। और कल तो आपको चार्ट पे दिखाया ही था, लेकिन एक बार सोचा इसको अपने डेरिवेटिव में इसको देखते हैं कैसा रहता है, ऑप्शन चेन में देखते हैं कॉल पुट में। तो कॉल पुट में भी देखेंगे तो वहाँ से भी आपको एक सपोर्ट, थोड़ा सा आपको सपोर्ट समझने के लिए मिलता है। ये 29 नवंबर का है और पीसी ज्वेलर्स का है, और देख रहे हैं आप यहाँ पे 91.90 की क्लोजिंग है। पुट जो होता है, अब प्राय जो पुट होती है ना, नीचे की ओर जाता है, तो जब जाता है तो नीचे सपोर्ट मिलता है, इसके लिए पुट को सपोर्ट बोलते हैं। और कॉल ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की जाता है तो मतलब ऊपर जाएगा, हर बार इसको नया फेस रेसिस्टेंस करना पड़ेगा, इसके लिए कॉल साइड में जो बोलते हैं उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये कॉल हो गया और ये पुट हो गया। कॉल में बाई होता है, पुट में भी बाई होता है, कॉल में भी शॉर्ट होता है, पुट में भी शॉर्ट होता है। लेकिन जो छोटे व्यूअर होते हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं होता है, बड़े बड़े होते हैं तो वो तो शॉर्ट करके चलते हैं। जो छोटे व्यूअर होते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग, तो इतना पैसा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। सपोज डेट अभी मेरे को लगा मंडे को ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो मेरे को पेपर ट्रेडिंग करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, 100 का कॉल ले लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ। कितने में कर लेता हूँ? 9 रुपये 20 पैसे में। और इसकी एक लॉट साइज होती है जो कि 1500 की इसकी लॉट साइज है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1500 × 9 रुपये 20 पैसे, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, इससे ज़्यादा होगा नहीं। अब आप जब ये ऊपर जाएगा, मान लीजिए उसके ऊपर जाएगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे आपने कल देखा कि पुट साइड से जब कॉल साइड गया, तो देखिए कॉल साइड में ग्रीन दिख रहा है, पुट साइड में रेड दिख रहा है, तो इसको कॉल पुट बोलते हैं। उसी तरह जब नीचे की ओर जाए तो उसको बाय नीचे की ओर लोग करते हैं, पुट की ओर करते हैं। ये सिंपल कॉल पुट का। अगर आपको लगता है मार्केट बेरिश है तो आप पुट साइड में बाय करते हैं, आपको लगता है बुलिश है तो कॉल साइड में जाते हैं। अभी मंडे मैंने आपको बोला ये बुलिश है। अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि 300 जाएगा। अगर 300 जाएगा तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इस पर, चलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस महीने इसलिए भी नहीं जा रहा है कि आपको 280 के आसपास 95 पैसे में मिल रहा है। इतना लोअर सस्ता नहीं मिलता अगर इतना ह्यूज रहता वॉल्यूम तो। चलिए कोई बात नहीं, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करते। यहाँ से आपको एट द मनी क्या हुआ, 91.90 है। एट द मनी क्या होता है, नीरेस्ट टू द वैल्यू, जो वैल्यू चल रही है उसके नीरेस्ट जो वैल्यू होता है। तो अब 91 चल रहा है तो 91 एट द मनी क्या हो जाएगा, 90। तो 90 पे आपको क्या वैल्यू दिखता है, तो ये कॉल साइड में देखिए क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसको कॉल राइटिंग बोलते हैं। कितना हुआ, 1,21,500 का, मैंने लोगों ने इसमें बाइंग चालू की 90 पे। और इधर क्या किया, यहाँ पे भी बाइंग चालू किया, तो 90 पे अब जो है आप देख रहे हैं दोनों साइड में बाइंग चल रहा है। लेकिन एक चीज़ देखेंगे तो 90 पे जो देखेंगे 5,76,000 का टोटल क्यूमुलेटिव ओपन पुट में है, और 90 में 6,03,000 का यहाँ पे टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है। जो बड़े लोग होते हैं 90 पे दोनों साइड में बाय कर लेते हैं, ताकि जिधर वैल्यू जाएगा टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू जो मिलेगा उनको, उनको फायदा होगा। बट इससे कोई व्यू नहीं आ रहा है। व्यू कहाँ से आ रहा है, अगर आगे आगे चल के देखते हैं तो आप देखेंगे जो 80 पे है, अब सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इसके बाद कहाँ, 14 लाख का कहाँ पे है, तो 50 पे है। इतना नीचे, चलिए सपोर्ट है यहाँ पे, इसको सपोर्ट मिल रहा है 14,08,000 का 50 पे, और यहाँ पे मिल रहा है 13,99,000 का 40 पे। तो मेरे अंदाज से इतना नीचे, 14 लाख के नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे, जो कि आपको सब बताया था 70,000 का। अभी भी देखिए यहाँ पे मार्केट गिरने के बावजूद कल यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रहा है, तो आप देखिए 70 पे अभी भी राइटिंग हो रहा है, 12,58,000 टोटल क्यूमुलेटिव है, 36,000 का एडिशन हो रहा है। और सबसे ज़्यादा एडिशन अभी भी कहाँ हो रहा है, 90 के पुट पे हो रहा है। तो लोगों का अभी भी जो है एजम्पशन 90 की पुट की ओर राइटिंग कर रहे हैं, ना कि अनवाइंडिंग कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पे देखेंगे कल के डेट में 2,97,000 का एडिशन हुआ है, और 50 पे भी एडिशन हुआ है 1,14,000 का। तो ये तो हो गया आपके कॉल राइटिंग की बात। अब देखेंगे लोग ऊपर की ओर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। तो कल के डेट में न्यूज़ ओरिएंटेड के लिए उन्होंने 90 और 100 और 110 इतने पे ज़्यादा पे हाईएस्ट एडिशन है, 140 पे भी कुछ लोगों का एडिशन है। इसके बाद कोई एडिशन आपको दिख नहीं रहा, ये 1536 से 2,000 इतनी वॉल्यूम में कोई ये नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें हम तो 73 लाख का कॉल में है और 93 लाख का पुट में। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट की ओर ज़्यादा है, तो पुट की ओर इनको ज़्यादा मान्यता है कि अभी भी नीचे की ओर रहेगा, मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा। तो नवंबर की जो ये स्ट्रेटजी कल के डेट में दिखी है, ये तो ऐसा दिख रहा है। तो अब आपको जैसा मैंने बोला भी है पहले भी, इतना जल्दी ये इतना ऊपर नहीं जाएगा, और 140 पे तोड़ना थोड़ा कम डिफिकल्ट, 120 पे 9,25,000 का है, तो इसी पर रेसिस्टेंस है इसको, 110 पे 5,50 का है,
तो अगर 74 लाख के बाद जो हाईएस्ट है वो एक एक, एक 20 पे है, और उसके बाद 140 पे है, और उसके बाद 160 पे है। यही चार्ट में कल मैंने आपको समझाया था। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि 100 के पास आप अभी भी आपको चाहे मंडे को तो 100 के आसपास पोजीशन बनाइए मंडे को, नो इशू, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, थोड़ा अप आता है कोई बात नहीं, फिर भी पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए, इसमें फिर भी आपको गेन मिल जाएगा अगर आपको लिमिटेड पैसा है, क्योंकि आपका पैसा यहाँ फिक्स होता है। अगर आप शॉर्ट करके इसको खेलते हैं, अगर आपको लगता है जब मार्केट आपको डाउनवर्ड जाए तो आप इसको शॉर्ट करके खेल सकते हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर का पैसा फंसता है। एक्चुअली जो मार्जिन ब्लॉक होती है वो फ्यूचर की मार्जिन ब्लॉक हो जाती है इसके लिए, और लंबी मार्जिन ब्लॉक होती है, इसलिए आपको बाय करके चलना चाहिए। तो यहाँ से जो दिख रहा है मुझे 100 पे, इसको अच्छा खासा इस पर रेजिस्टेंस है, लेकिन 90 पे है तो 100 तो क्रॉस कर ही जाएगा, 14 लाख का सबसे ज़्यादा है। इसको क्रॉस करने के बाद वो अपना फिर वापस 110 पे आएगा और 120 पे आएगा। ये तीन लेवल हैं जहाँ इसको क्रॉस करने हैं, और इसको रेसिस्टेंस यहाँ पे सहना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे 120 पे एडिशन नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, 110 पे हो रहा है, 100 और 110 पे, और सबसे ज़्यादा एडिशन कहाँ हो रहा है, 1,39,500 110 पे हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था चार्ट पे जो 300 लोग अभी भी बोल रहे हैं 500-600 जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से नहीं जा सकता, वो जा सकता है, लेकिन अभी भी अगर कोई कंपनी अच्छा बायबैक लेके आ जाए, अगर अनाउंसमेंट कर दे, क्योंकि जो लोग ऊपर से फंसे हुए हैं ना 485 से लगभग फंसे हुए हैं, वो लोग कब निकलेंगे, कब एग्जिट करेंगे। तो अगर कंपनी में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आप इंडियन मीडिया चैनल पर अगर आते हैं और आप बायबैक अनाउंसमेंट करते हैं और फिर विदड्रॉ कर लेते हैं, इससे आपका इंप्रेशन खत्म होता है। लोग तो जो फंसना फंसे, लेकिन आप पे रिलाई अभी तब तक नहीं होगी जब तक आप वापस अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं। इसके लिए आप इस पे पेपर ट्रेडिंग करें, ध्यान रखें, और 100 और 110 पे अपनी पोजीशन चाहें, अगर आप कम पेपर ट्रेडिंग तो 110 की 680 भी लेके आप पोजीशन बना सकते हैं। 9,000-10,000 का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे भी लेकर के पोजीशन बना सकते हैं। आपको ये वीडियो देने के नीचे दिए बटन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। बस इतना ऐसा आपको कॉल पुट बताना था, चार्ट पे तो ऑलरेडी आपको बता दिया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।